हेलो गाइस गाइस धूम 4 तो भाई फाइनल हो चुका है कि ये मूवी बनने वाली है या नहीं बनने वाली है। जहाँ तक मैंने वीडियोस बनाए आपने देखे होंगे, और जहाँ तक सोर्स की न्यूज़ थी, जैसे मैं वीडियो बना रहा था आपको दिखा रहा था कि जहाँ तक सोर्स की न्यूज़ मिल रही थी भाई, ये जो न्यूज़ थी ऐसी फेक न्यूज़ नहीं थी, ठीक है। और जैसे न्यूज़ को फेक बना दिया गया, आपने देखा आज तरन आर्दस ने साफ साफ एकदम बोल दिया कि मूवी बनने वाली है नहीं बनने वाली है। तो इसी बात पे मैं एकदम क्लियर बोलने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो दोस्तों पहले हम बात करें धूम 4 जहाँ तक थी, और वायरस यानी कि यशराज बैनर जहाँ तक फोर्स की न्यूज़ थी वो SRK के साथ ही थी। जी हाँ दोस्तों, जो भी न्यूज़ मिल रही थी SRK धूम 4 अंदर की जो भी न्यूज़ मिल रही थी SRK धूम 4। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, मगर जी हाँ दोस्तों ये जो न्यूज़ है 3-4 दिन से एकदम से मैंने कहा ना आपसे वायरल हो गई। जी हाँ दोस्तों, हालांकि कन्फर्म नहीं था इस मूवी का कि ये न्यूज़ कन्फर्म है, और सोर्स की न्यूज़ आ रही थी कि भाई धूम 4 में शाहरुख खान है, रणबीर कपूर भी हो सकते हैं, ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा तीन चार दिन से चल रही थी। तो सब आपको सब वीडियो बनाएंगे यहाँ पे। तो गाइस ऐसे ही मैंने आपको बताया कि हाँ ये धूम 4 में शाहरुख खान है, और जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली थी कि धूम 4 में शाहरुख खान होने वाले हैं, और ये न्यूज़ एकदम से मैं कहूँ कि सोर्स की न्यूज़ पक्का थी। मगर यहाँ पे तरन आदर्श ने बोल दिया अभी कि भाई धूम 4 में जो सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा है इस टाइम की, कोई बोल रहा है SRK इन धूम 4, रणवीर कपूर इन धूम 4, ऋतिक रोशन धूम 4, और ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पे एकदम से यूजलेस बकवास है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एकदम से क्लियर कट बोल दिया है कि धूम 4 अभी नहीं बनने वाली है। जब भी बनेगी मूवी इसका वायरस अनाउंसमेंट करेगा एकदम बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस ये न्यूज़ कैसे उड़ी, यानी कि कुछ तो बात होगी, अंदर से कभी खबर लीक हुई है, और लीक हुई है तभी ये बवाल हुआ है। तो ऑफकोर्स जो वायरस है उसको पता चला होगा कि धूम 4 की आज जो न्यूज़ है भाई एकदम से ज़्यादा चल रही है, और न्यूज़ कहीं ना कहीं लीक हो चुकी है। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने शायद, मुझे लग रहा है कि धूम 4 की जो न्यूज़ है उन्होंने बोला होगा कि तरन आदर्श को बोलना चाहिए, वो आप बता दें कि धूम 4 पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे ही अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि शायद वायरस ने बोला होगा तरन आदर्श को कि आप बोलो जाके कि भाई धूम 4 अभी हम नहीं बना रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है इस मूवी के साथ। जी हाँ दोस्तों, धूम 4 पे न्यूज़ आ गई है कि धूम 4 नहीं बनने वाली है अभी फ़िलहाल, और जो अनुमान लगाया जा रहा था सोशल मीडिया पे बहुत है यार, बड़े बड़े पेज थे, बड़े आर्टिकल बोल रहे थे कि धूम 4 में शाहरुख खान है, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्लियर कट ना नहीं हुआ है कि धूम 4 में शाहरुख खान नहीं होने वाले, यहाँ पे बात ये हुई है कि धूम 4 अभी नहीं बनने वाली, ठीक है। जैसी न्यूज़ चल रही थी कि धूम 4 जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है, और जल्द इस मूवी पे कुछ ना कुछ बोला जाएगा, क्योंकि 27 को वायरस की एनिवर्सरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जल्द से जल्द कुछ अंदर से आने वाला था कि शायद वायरस अनाउंसमेंट कर दे धूम 4 की। तो सब जो बड़े बड़े फैन पेज हैं सब यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि शाहरुख खान इन धूम 4। तो गाइस यहाँ पे एकदम से अटकलें एकदम से समाप्त हो चुकी हैं अभी तक, अभी फिलहाल जब भी ये मूवी बनेगी गट फीलिंग अभी भी हैं, और यहाँ पे ना अभी तक नहीं बोला है कि शाहरुख खान इन धूम 4 में नहीं है। मुझे ये उम्मीद है कि अगर वायरस इस मूवी को आगे जब भी बढ़ाएगा, यानी कि उनके पास अभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, अल्फा है, पठान 2 है, टाइगर वर्सेस पठान है, इन ये जो 3-4 प्रोजेक्ट हैं उनके, अगर इसके बाद अगर शुरू करना चाहेगा तो गाइस आपको पता है अगर कोई ज़्यादा पैसा लगाएगा बड़ी मूवी पे तो बंदा एक ही है जिसका नाम है SRK। तो गाइस यहाँ पे जब भी आप सोचोगे ना धूम 4 बनेगी, तो गाइस धूम 4 में ऑफकोर्स ओनली शाहरुख खान होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बात हो गई कि जल्द अभी अनाउंसमेंट नहीं होने वाला कुछ भी, वायरस एकदम से पता उनको ऐसा हुआ कि ये न्यूज़ एकदम से वायरल हो गई, तभी मुझे लगा है कि तरन आदर्श को बोला गया है कि आप बोलो जाके कि भाई धूम 4 अभी नहीं बन रही। तो धूम 4 पे अपडेट दिया है तरन आदर्श ने कि भाई जो इस सोशल मीडिया पे चल रहा है एकदम से यूजलेस बकवास है, यहाँ पे कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है,
कोई बोल रहा है कि धूम फोर में शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तरुण आदर्श ने बोल दिया है और जब भी ये न्यूज़ आएगी तो देखेंगे, मगर इस वक्त धूम फोर पे स्टॉप लग चुका है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।